नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 10 न्यूज में। मैं शेषनाग पुनः उपस्थित हूँ एक नई जानकारी और कुछ अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष। पिछली बार जब मैं रूबरू हुआ था, जब हम एक दूसरे से मिले थे, तो दिल बैठा हुआ था और उदासी चेहरे पे थी मेरे भी और आप सभी लोगों की, क्योंकि भारतवर्ष की भांति बिहार में भी कोरोना मरीजों के जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। खासतौर पर हमारे गृह जिले सिवान में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए दिल बैठा हुआ था और चेहरा उदास था। पर आज खुशी वाले चेहरे के साथ, थोड़ा चैन और मुस्कुराहट के साथ आपसे गुफ्तगू करते हुए दिल को सुकून मिल रहा है। बात अच्छी है, खबर भी अच्छी है। बात दरअसल ये है कि आज तक मिला दिया जाए टोटल 65 कोरोना से संक्रमित मरीज बिहार में इस समय हैं, जिनमें से 26 लोग स्वस्थ हो गए हैं। अब बहुत सारे जो लोग स्वस्थ हुए हैं उनमें से सारे लोगों को घर नहीं भेजा गया, बल्कि और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में हिदायत के तौर पे रखा गया है। सिवान वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जिस मरीज के कारण और जिसकी लापरवाही की चर्चा हम सब ने, मैंने आप लोगों से पिछले गुप्तगु में की थी, वो मरीज जो ओमान से लौटा था और अकेले अपने दम पर 20 से अधिक अन्य लोगों को, जिसमें उसके परिवार के लोग भी शामिल थे, संक्रमित किया था, वह व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। यानी उसका जो जांच है, जो वर्तमान रिपोर्ट आई है, वो नेगेटिव आई है। फिलहाल हो सकता है कि उनको भी क्वारंटाइन रखा गया हो। अन्य जो और लोग थे, जैसे सूचना मिल रही है दरौली से और हसनपुरा से जो व्यक्ति संक्रमित थे, वो भी क्वारंटाइन पूर्ण किए गए हैं। उनका भी दूसरा तीसरा रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया है, तो ये अच्छी बात है बिहार के लिए। पिछले 24 घंटों से संख्या नहीं बढ़ी थी, लेकिन अचानक एक न्यूज़ आई बेगूसराय से और वहाँ से एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। हालांकि संजय कुमार जो प्रधान सचिव हैं, जिनकी चर्चा हमने पिछली बार भी की थी, उन्होंने बताया कि बेगूसराय से जो नया मरीज मिला है उसकी संक्रमण का जो चैन है उसको ट्रेसिंग कर लिया गया है, यानी कहाँ से वो संक्रमित हुआ है ये पता कर लिया गया है। और जब ये पता हो कि व्यक्ति कहाँ से संक्रमित है, इसका मतलब थर्ड स्टेज में नहीं मामला गया है। तो फिलहाल बिहार से जुड़ी हुई ये जानकारी है, 65 टोटल मरीजों की संख्या है। कल देश के प्रधानमंत्री देश को फिर से एक बार संबोधित करेंगे। उम्मीद है और लग भी यही रहा है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया था उसको अगर आधार बनाया जाए, या फिर हालिया दिनों में जिस तरीके की गतिविधियां हुई हैं उसको अगर आधार बनाया जाए, तो लग रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि लॉकडाउन में प्रधान सेवक हम सारे लोगों के समक्ष लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की घोषणा करें। हाँ, कुछ ऐसी भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि इस लॉकडाउन 2 में, जो शायद कल प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया जाए, इसमें कुछ रियायतें मिल सकती हैं। रियायतें खास तौर पर राज्य सरकारों के इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज दिया जा सकता है। तो फिलहाल उम्मीद कीजिए कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से हमारे देश ही नहीं विश्व को मुक्ति मिले और हम पुनः अपने जो दैनिक दिनचर्या वाला जनजीवन है उस पर लौट पाए। उम्मीद है इन खबरों के साथ आपको थोड़ा सा सुकून मिला होगा। बिहार के लिए अच्छी खबर है, भारत के लिए भी इसी तरीके से अच्छी खबर आती रहे और हम इस महामारी से मिलकर इसी तरीके से मुकाबला करते रहें, उम्मीदों के साथ कि जल्द ही इससे हमें निपटारा मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। मैं शेषनाथ आप सभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मान रहे हैं बातों को, हमारे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार रिक्वेस्ट और बहुत ही विनम्र लहजे में आपसे आवेदन, निवेदन, आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी निर्णय हो कल प्रधान सेवक का, प्रधानमंत्री का, या फिर अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर जो भी निर्णय ले रहे हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है, अन्य 5 राज्य सरकारों ने भी यही निर्णय लिया है, महाराष्ट्र ने, उड़ीसा और बंगाल ने, तो जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो शिक्षाई व्यवस्था है, उसको जून के आधे तक बंद रखा है। बंगाल ने 10 जून तक स्कूली गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है, वहीं उड़ीसा ने 17 जून तक शैक्षणिक जो गतिविधियां होती है उस पर रोक लगाई है। हालांकि 30 अप्रैल तक उन्होंने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। तो देखना दिलचस्प होगा, और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं चौंकाते जरूर है। तो कल उनका अभिवादन अभिभाषण जो है वो सुनिए, देश का नाम जो संबोधन करेंगे
उसको सुनना है और देखना है कि आगे किस तरीके से हम सब मिलकर तत्परता के साथ, सचेतता के साथ और अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ अपने परिवार की रक्षा हेतु, देश की रक्षा हेतु और एक सिवान वाले होने के नाते सिवान की रक्षा हेतु आगे बढ़ते हैं। पुनः यही आग्रह कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने परिवार के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइव 10 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें प्यार देते हैं और इसी तरीके से आगे खबर पाने के लिए, आगे खबरों पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।